हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अबूज किचन। आज का रेसिपी रेडिश का कोफ्ता करी बा मूली का कोफ्ता करी। मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। रेडिश कोफ्ता करी बा मूली का कोफ्ता करी बनाने के लिए ये सब इंग्रेडिएंट्स चाहिए। दो बड़ा साइज मूली को ऐसे ग्रेट करके रखा, एक बड़ा टोमेटो ग्रेट करके रखा, एक ओनियन को बारीक चॉप करके रखा, एक चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, दो चम्मच हरी धनिया बारीक चॉप करके रखा, ऑयल यूज़ करूँगी, और एक एग, दो चम्मच बेसन। जो लोग वेजिटेरियन हैं एक स्किप कर सकते हैं, दो चम्मच और ज़्यादा बेसन यूज़ करें। और मसाला में एक चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच रेड चिली पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, फोड़नी में एक रेड चिली, आधा चम्मच जीरा, दो इलायची, एक दालचीनी, तीन लौंग। एक बड़ा मिक्सिंग बाउल ले लिया, एग को निकाल लेती हूँ, टेस्ट के अकॉर्डिंग रेड चिली पाउडर, नमक ऐड करके पहले फेंट लेती हूँ। जो मूली बा रेडिस ग्रेट करके और पानी निचोड़ के रखा था वो ऐड कर देती हूँ। और एक के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। अच्छी तरह से मिक्स करके हो गया। बाइंडिंग के लिए दो चम्मच बेसन लिया था वो ऐड कर दिया और अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। जो लोग एग नहीं यूज़ करेंगे और दो चम्मच ज़्यादा बेसन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मूली का बाइंडिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। और थोड़ा सा हरा धनिया भी ऐड कर देती हूँ, टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। मिक्स करके हो गया, चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। फ्राइंग कर लेती हूँ। ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया, ऑयल गर्म हो गया, और कोफ्ता ऐड कर देती हूँ। एक साइड अच्छी तरह से फ्राई होने के बाद फ्लिप करूंगी। एक साइड अच्छी तरह से फ्राई हो गया, कलर भी चेंज हो गया, अभी फ्लिप कर लेती हूँ। और अच्छी तरह से दोनों साइड फ्राई कर लेती हूँ। अच्छी तरह से फ्राई हो गया, कलर भी चेंज हो गया, प्लेट में निकल के रखती हूँ। सेम प्रोसेस में सारे कोफ्ता को फ्राई करके रेडी कर लेती हूँ। सारे कोफ्ता फ्राई हो गया, प्लेट में निकल के रखा, चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। ऑयल कम करके दो चम्मच ही रखा, सारे खड़े गरम मसाला और जीरा ऐड कर दिया, रेड चिली भी ऐड कर दिया, फोड़ने को एक मिनट सॉल्टी होने के बाद अनियन को ऐड कर देती हूँ। अनियन भी दो मिनट फ्राई कर लेती हूँ। अनियन अच्छी तरह से फ्राई हो गया, अभी जो जिंजर गार्लिक पेस्ट भी है वो भी ऐड कर देती हूँ के साथ फ्राई कर लेती हूँ। अभी टोमेटो ऐड कर देती हूँ। कोफ्ता रिक्वायर के लिए सारे अनियन, टोमेटो, जीरा, गार्लिक सब
पेस्ट बना के ही बनाती हूँ, बट किसी के पास ग्राइंडर नहीं रहेगा तो ऐसे काट के भी बहुत ईजी से कोफ्ता करी बना सकते हैं, उसके लिए मैं कटिंग करके ही बना रहा हूँ। सारे मसाला अच्छी तरह से पक गया है, साइड से ऑयल छोड़ रहा है। अभी जो ड्राई स्पाइसेस और रेड चिली, नमक, हल्दी पाउडर सारे मसाला ऐड कर दिया और लो फ्लेम में ड्राई मसाला को और 2 मिनट फ्राई कर लूँगी। मसाला अच्छी तरह से फ्राई हो गया, साइड से ऑयल छोड़ रहा है। अब ग्रेवी के लिए पानी ऐड कर देती हूँ। और अच्छी तरह से मिक्स करके बॉयल होने के लिए छोड़ देती हूँ। बॉयल आने के बाद कोफ्ता को ऐड करूँगी। ग्रेवी में बॉयल आ गया, अभी जो कोफ्ता बना के रखा सारी कोफ्ता को ऐड कर देती हूँ और 5 मिनट्स ग्रेवी के साथ कुक कर लेती हूँ। कोफ्ता करी बन के रेडी हो गया। अभी जो हरा धनिया बारीक चॉप करके रखा था वो भी ऊपर से ऐड कर देती हूँ। और बाउल में सर्व कर लेती हूँ, गैस बंद कर देती हूँ। टेस्टी रेडिश कोफ्ता करी, बामूली का कोफ्ता करी बन के रेडी हो गया, बाउल में सर्व कर लिया। स्टीम राइस के साथ खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है, ऐसे बनाइए और आप लोग का एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए। मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।